हेलो फ्रेंड्स, मैं आयनुल मासी इंजीनियरिंग से। तो आज देखिए कलयुग में मोबाइल का क्या ज़रूरत है। देखिए मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आगे का वीडियो पूरी देखिए। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं नितिन मनोहर नागपाल आज आपके समक्ष मोबाइल के दीवाने नामक कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि लोग मोबाइलों के पीछे कितने पागल हुए जा रहे हैं। और आज का सत्य, नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। भूखे को रोटी और एंड्रॉयड फोन वाले को चार्जर देना पुण्य का काम होता है। शास्त्रों में लिखना रह गया था, सोचा बता दूं। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल डेटा के लिए। आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार और बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है जमाना, पहले माँ बाप के पैर छू कर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। कुछ लोग जब रात को अचानक फोन का बैलेंस खत्म हो जाता है, इतना परेशान हो जाते हैं मानो सुबह तक जिस इंसान से बात करनी हो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। जब फोन की बैटरी 1-2% हो तो चार्जर की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे उससे कह रहे हो, तुझे कुछ नहीं होगा भाई, आंखें बंद मत करना, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग अपने फोन में ऐसे पैटर्न लॉक लगाते हैं जैसे ISI की सारी गुप्त फाइलें उनके फोन में ही पड़ी हों। गलती से फोन किसी दूसरे दोस्त के यहां छूट जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे अपनी भोली भाली गर्लफ्रेंड को किसी बलात्कारी के पास छोड़ आए हो। सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से मेरा निवेदन है कि वह मोबाइल को बड़ा करवाते जा रहे हैं तो उसमें ऐसी व्यवस्था भी कर दें कि पीछे के ढक्कन के अंदर 2 पराठे, आलू की सूखी सब्जी और अचार आ जाए। सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लोगों को भी सुनाना। बाय बाय। सारी दुनिया का बोझ हम उठा।